Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. In this video, we'll discuss about UPSSSC Stenographer Recruitment 2023. Total number of vacancies हैं 277. आपका notification आया था 2nd of September को. Apply आप कर सकते हैं 17th of October से और लास्ट डेट है आपका एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने की 16th ऑफ अक्टूबर. सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले आपका जो 2022 में पीटी एग्ज़ाम यूपी पैट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके जो शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट्स थे वो लोग रिटर्न एग्ज़ाम देंगे. यूपी पैट 2022 में जो लोग शॉर्ट लिस्ट हुए थे वो लोग रिटर्न एग्ज़ाम देंगे अब स्टेनोग्राफर का. उसके बाद में आपका स्किल टेस्ट होगा यानी वो टाइपिंग वाला. उसके बाद में आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे एंड देन मेडिकल एग्ज़ाम होगा. उसके बाद में आपका फाइनल लिस्ट लगेगी. अभी पोस्ट आपकी है स्टेनोग्राफर की लेकिन उसे में कुछ एक और भी है जैसे स्टेट कमीशन, डिस्ट्रिक्ट कमीशन एक्सेट्रा. तो इन सब के बारे में एक बार बात करते हैं वैकेंसीज के बारे में. स्टेनोग्राफर जो कि इरिगेशन और वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट के हैं यहाँ पे टोटल वैकेंसीज इनकी 57 हैं. एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी का जो स्टेनोग्राफर है उनकी यहाँ पे टोटल 12 वैकेंसीज हैं. स्टेनोग्राफर स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रीएड्रेसल कमीशन डिपार्टमेंट की 30 वैकेंसीज हैं. फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट की 57, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की 50, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी डायरेक्टरेट की 16, यूपी प्रोजेक्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड की 4, यूपी पर्यटन डायरेक्टर की 6, एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड एग्रीकल्चर फॉरेन ट्रेड डिपार्टमेंट की 1 वैकेंसी है. इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट की 37 वैकेंसीज हैं. एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस स्कीम डिपार्टमेंट की 1 वैकेंसी है. यूपी प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट की 2 वैकेंसी हैं. डायरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रिकल सेफ्टी की 4 वैकेंसीज है. ऐसे टोटल करके 277 वैकेंसीज हैं. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपका ग्रेजुएशन पास भी आप अप्लाई कर सकते हो और 12th पास भी अप्लाई कर सकते हो. यस, आपका यूपीएसएससी पीटी 2022 का स्कोर कार्ड होना चाहिए आपकी क्वालिफिकेशन में. यानी कि आपका यूपी पैट जो होता है वो आपका आप उसमें शॉर्ट लिस्ट हो गए थे, आपको नंबर वगैरह कुछ मिला था, उसका स्कोर कार्ड आपके पास होना चाहिए. आपके 10+2 में पास होना चाहिए किसी भी बोर्ड से. हिंदी में आपके टाइपिंग 25 वर्ड पर मिनट होने चाहिए और स्टेनो की 80 वर्ड्स पर मिनट होना चाहिए. ओके, आपका मिनिमम एज यहाँ पे 18 ईयर चाहिए, मैक्सिमम एज 40 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हैं. शॉर्ट लिस्ट होने का प्रोसेस मैंने पहले ही बता दिया है. अप्लाई कैसे करना है ये मैं इस वीडियो में बात नहीं करने वाली इस पर. अब इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आई विल रिप्लाई. आई होप कि मैंने सारे पॉइंट्स कवर किए हैं इसमें. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा. थैंक यू.